हम किधर जा रहे हैं? मेहंदी लगाने। मेहंदी लगाने। ये गिव मी हाई फाइव। यस लेट्स गो। लेट्स गो। यस अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी हम लोग जा रहे थे मेहंदी लगवाने के लिए, मेरे देवर जी की एंगेजमेंट थी तो इस वजह से हम लोगों ने ईद पे मेहंदी नहीं लगवाई थी। सोचा क्योंकि 5 दिन बाद ही एंगेजमेंट थी, दैट्स व्हाई। सॉरी 5 दिन बाद नहीं, 10 दिन बाद थी एंगेजमेंट, तो सोचा कि तभी लगवा लेंगे, अभी नहीं लगवाते। ईद पे सिर्फ ऐसे ही पेरवे वगैरह लगवा लिए थे। तो ये जी मैं जा रही थी मेहंदी के लिए, हमारे वहाँ मेहंदी वाली कोई भी नहीं थी। तो मैं अम्मी के घर आई थी, तो अम्मी के घर से हम लोग गए थे अम्मी की फ्रेंड के घर, वहाँ पे उनकी बेटी लगाती है मेहंदी। सो हम लोग वहाँ पे गए थे, अम्मी को लेके गई थी मैं क्योंकि मुझे घर नहीं पता था उनका, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे मैं हम लोग ऑटो ढूंढ रहे थे क्योंकि दोपहर हो चुकी, कम से कम 5:30 के आसपास मैं पहुँची थी। मुझे 4 बजे पहुँचना था लेकिन मैं लेट हो गई थी क्योंकि उरेन की वजह से, उरेन को छोड़ के आना पड़ा। फिर मुझे उरेन रोती है, मुझे मेहंदी लगा देती है, अगर मैं मेहंदी लगाती हूँ ना तो वो रोती है कि मम्मी को हाउ कर रहे हैं, इस वजह से। फिर आज मैंने बहुत मुश्किल से फिर उसको मेहंदी लगाई उसको, उसको मेहंदी पसंद नहीं है लेकिन फिर लगानी थी मुझे। तो फिर मैंने उसको बहुत मुश्किल से मना के सारी चीज़ें उसको जैसे बोल के मैंने उसको मेहंदी लगाई है। तो ये देखे जी हम लोग जा रहे थे, हम लोग चौल में गए थे तो वहाँ पे मेहंदी लगवा के आए थे। वहाँ की मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि उनका प्राइवेसी होती है अलग से। तो ये देखे जी मैंने उरेन को मेहंदी लगा दी है। मम्मा लगाई, थैंक यू। हाँ जी, तो ये देखिए जी अब हम लोग आ चुके थे हमारे मेरी मामी सास के वहाँ, जिनके वहाँ इंगेजमेंट थी, वहाँ पे आ गए थे हम लोग क्योंकि वहीं से हम लोगों ने जाना था खेड़ा फार्म हाउस पे। सो दैट्स व्हाई मुंबई से जो मेहमान आए थे वो भी यहीं थे हमारे यहीं पे। तो हम लोग सब लोग एक ही जगह इकट्ठे हो गए थे और फिर वहीं से हम लोगों ने कार करके हम लोग निकल पड़े थे। और यहाँ पे पैकिंग वगैरह हो रही थी दुल्हन को देने के लिए कपड़े वगैरह, इंगेजमेंट थी, ठीक है, शादी नहीं थी, इंगेजमेंट थी। तो सब यहाँ पे शगुन दे रहे थे, शगुन कहते ना इसे, हाँ, और पैसे वगैरह जो हाथ में देते लिफाफों में वही दे रहे थे। तो यहाँ पे पैकिंग हो रही थी कपड़ों की, जो कपड़े लेकर आए थे सब लोग देने के लिए वो, तो मैंने तो लिफाफा दिया था, मैंने कपड़े नहीं दिए थे। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी, पैकिंग वगैरह हम लोग कर रहे थे, जाने की तैयारियाँ कर रहे थे, नहाए धोए थे। फिर हम लोग फिर मैं है ना घर गई थी दोबारा से, अपने यहाँ पे थोड़ा दूर है, आधी कलाक का रास्ता है। फिर मैं वहाँ पे वापस गई थी क्योंकि उरेन का बैग वगैरह मुझे लाना था और कपड़े वगैरह मैं लेकर नहीं आई थी क्योंकि वहाँ पे ना एक रात को स्टे करना था, वहाँ पे नाइट स्टे करनी थी क्योंकि ओबियसली वहाँ पे पार्टी रखी थी, दैट्स वाई। तो एक तुरंत तो आ नहीं सकते थे हाथों हाथ, तो सो इसलिए यहाँ पे देखे मेरी सासू मां बता रहे आपको उनके कपड़े, लेकिन उन्होंने ये नहीं पहना था, उन्होंने माइंड चेंज कर लिया था, फिर उन्होंने दूसरा ड्रेस पहना था। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी क्योंकि उसका दुपट्टा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। और जी फिर हम लोग, हाँ जी हम लोग वहाँ पे जाने के लिए हम लोगों को एक एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े चाहिए थे क्योंकि बहुत हैवी हो जाता ना फिर ड्रेस, रात को नींद नहीं आती है, दैट्स वाई। फिर स्विमिंग पूल भी था तो हम लोगों ने सोचा कि स्विमिंग विमिंग करेंगे, सो कॉटन के कपड़े ले लेते। तो देखे जी मैं जा रही थी उसको छोड़ के, बैग लेकर आई थी मैं, तो मैं सब लेके आई थी उसके लिए ताकि हम लोग जा सके। तो यहाँ पे अब हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे तो मैंने इसको बैग भी लगा दिया है, कपड़े वपड़े सब पैक हो गए हैं हमारे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो सब लोग आने वाले थे मेरी खाला सास के घर से, जितने भी लोग जाने वाले थे खेड़ा फार्म हाउस पे, वो लोग सब आ गए थे यहाँ पे। फिर हम लोगों ने कार की पर्सनल, फिर वहाँ से हम लोग गए डायरेक्ट खेड़ा। तो वहाँ का भी मैं शूट करूँगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी, इस वीडियो में सिर्फ हम लोग जो जा रहे हैं वही बताऊँगी क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि 2 भाग किए हैं मैंने एंगेजमेंट के। तो या दैट्स वाइट। तो यहाँ पे देखे बस हम लोग निकलने में लगे हैं और जी हम लोग 4-4 करके गए थे क्योंकि कार में फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी हम लोगों को, दैट्स वाई हम लोग 4-4 करके गए थे। और ये देखे जी अब हम लोग जाने लगे, ये देखे आए हाय हाय मैंने मेरी ननद को बैग पकड़ा दिया था, मैं कहा आप ले लो मुझसे नहीं उठने वाला ये। तो ये देखे कार हमारी खड़ी थी वहाँ पे राइट साइड पे, ब्लैक वाली जो कार है वो थी, फिर बाद में दोबारा से चेंज की वाइट वाली कार, हम लोग गए वाइट वाली कार में गए हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने सब रख दिया था सामान वगैरह,
तो हम लोगों को बड़ा मजा आया। लेकिन मुझे एक मसला हो जाता है जब मैं भी कार में या फिर बस में या फिर ट्रैवल करती हूँ ना, मुझे एक इशू हो जाता है, मुझे वॉमिटिंग हो जाती है, मुझे चक्कर आने लगते हैं, सर दर्द हो जाता है। और ये देखे उरेन रोने लगी थी, इसलिए मैं भाग के आई उसके पास। मैं क्या बेटा कहीं नहीं जा रही हूँ मैं यही हूँ, आप लोग आपको लेकर ही जाऊंगी, इसलिए कैमरा इतना हिल रहा था। अरे वो ना कहते कभी कभी आ कहते निकलो अल्लाह हाफिज उरेन, बाय बाय उरेन, अल्लाह हाफिज। चुप बैठ, कहाँ जाते भाभी? हम लोग जा रहे हैं खेड़ा एंगेजमेंट में, कम विद मी। आ जाए आप। तो यहाँ पे मैंने अपनी ननद को दे दिया है, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। मतलब जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ तो वो कहती है जाओ भाभी आप तो व्लॉग में आते ही नहीं हो, लाओ मैं बनाती हूँ व्लॉग, आप जाओ मैं पीछे से आपको सूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे वो मेरी हेल्प कर रही थी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। हाँ जी, तो अब हम लोग बैठ चुके हैं कार में। और एक और मसला है, जब भी मैं कार में बैठती हूँ या फिर बस में बैठती हूँ ना, तो मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ तो मेरा सिर और भी ज़्यादा चकराने लग जाता है। तो यही हुआ था मेरे साथ, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया कार में बैठे बैठे। फिर मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे थे और मुझे वॉमिट जैसा भी हो रहा था। सो इसलिए मैंने थोड़ा सा शूट किया आप लोगों के लिए। इतनी मेहनत करती हूँ यार, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, मेरी मेहनत का फल मुझे दिया करो। तो ये देखे, मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं वीडियो शूट कर सकूँ। मैंने ना बहुत सारा बहुत कुछ कैप्चर करना था, मैंने रील्स बनानी थी, फ़ोटोज़ क्लिक करनी थी, लेकिन मेरी हेल्थ ख़राब हो जाती है यार, कसम से। मुझे इतना सर दर्द होता है, इतना सर दर्द होता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ये देखे, बस हम लोग पहुँचने ही वाले थे एग्जैक्ट इसी टाइम पर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है, पूरा जो भी मैंने शूट किया है वो, उसके बाद का आगे का पार्ट, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और फिर मज़ा नहीं आती ना इतना लंबा वीडियो हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताना फिर। ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं। मैं आप पे नेक्स्ट वीडियो में बाहर का जो शूट था ना, बाहर का जो डेकोरेशन हो रहा था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसमें नहीं कर पाई मैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को मेहंदी बता रही थी। तो मुझे लाजमी बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। चले जी, नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहे, याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।